शुक्रिया। लिरिक्स की बात हो या फिर सिनेमेटोग्राफी की बात हो, सबका सब अच्छा था और आपकी केमिस्ट्री हम लोगों को काफी पसंद आया। शुक्रिया। तो पूछना चाहेंगे, जब मन मर्जी आप ये वर्ड सुनते तो सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सी बात आती है? वही आती है कि हम जो मन में मर्जी आए वो करो, क्योंकि फ्रीडम बहुत ही अहम शब्द होता है हमारी ज़िंदगी में, और अगर आप अपने मन की सुन सकते हो, उनकी कर सकते हो, सो दैट आई थिंक वुड बी द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। तो एक एक आज़ादी, एक फ्रीडम का एक एक शब्द, सबसे पहला शब्द मेरे मन में आता है। आपके मन में? हाँ, सेम सेम। बेसिक अभी जितने भी जो बोलना है अफ्ताब सर ने बोल दिया है, तो मुझे लगता है कि मन मर्जी बहुत ही एक बेस्ट सॉन्ग है, जिसमें जो 90s को जो पसंद है, आई थिंक मुझे लगता है कि जितने भी है पसंद होगा। तो यहाँ एग्जैक्टली उस कल्चर्स को भी दिखाते हैं जो नेचुरली अरुणाचल प्रदेश से जो कल्चर है, जो अथायर्ड है, उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो एज ए बिलोंग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो मैं चाहती हूँ कि हमारा कल्चर एक्सचेंज हो। तो भाईचारे का जितना अपना कल्चर एक्सचेंज है वो एवरी स्टेट में होना है। मन मर्जिया एक अलग ही डिफरेंट वीडियो एल्बम है, जिसमें मुझे लगता है कि ऑल ओवर इंडिया में मैं भी छाया रहेगा ये। थैंक यू सो मच। एब्सोल्युटली। इवन एज मेंशन्ड कि अरुणाचल प्रदेश का कल्चर दिखाया गया, जी। हमने भी वीडियो में देखा, सॉन्ग में देखा, आप कितना एंजॉय किए इस कल्चर को, अरुणाचल प्रदेश जैसे खूबसूरत जो वातावरण है। जी, सबसे पहले जब मुझे ये ऑफ़र किया गया तो इसका सबसे अहम चीज़ मेरे लिए ये बात था कि मैं एक ऐसे राज्य के बारे में हम लोग बात करेंगे या खूबसूरत राज्य को दिखाएंगे जो आज तक शायद कभी लोगों ने ना देखा हो। और उनकी खासियत ये है कि एक वो एक नेचुरल अनटच्ड ब्यूटी है एज अ स्टेट, द कल्चर, द पीपल, जो टैलेंट है वहाँ पर, क्योंकि वो हमें बहुत प्यार करते हैं, हमें हमेशा हमारी फिल्में देखते हैं, हमारी इज्जत करते हैं, हमें बहुत प्यार देते हैं। सो फॉर अस टू गो एंड एक्सपीरियंस दैट लव फर्स्ट हैंड, फॉर मी वाज अ वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस शूटिंग फॉर मन मर्जिया इन अरुणाचल प्रदेश। एंड इन फैक्ट वी ओनली शॉट आई थिंक इन एंड अराउंड ईटानगर, पूरे अरुणाचल को हम लोगों ने कैप्चर ही नहीं किया है, जो इतना सारा, इतनी सारी खूबसूरती है उस स्टेट में, वेयर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैप्चर इट इन 5 मिनट्स। पर लेकिन हम लोगों ने जितनी कोशिश की है 5 मिनट में, जितना भी हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की, हम लोगों ने दिखाई है। हालांकि मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत कम दिखाया है, बहुत ज़्यादा है दिखाना, लेकिन हम लोग दिखा नहीं पाए, और उम्मीद करते हैं कि आप हमें और भी मौके ऐसे देंगे जहाँ हम आपके स्टेट को और भी खूबसूरती के साथ दिखाएं। जी जी, बिल्कुल। जी, आई थिंक जो अट्रैक्शन था मेन कि मैं अरुणाचल के बारे में, अरुणाचल में शूट करूँगा और उनका जो कल्चर है, उनके जो लोग हैं, उनकी जो हॉस्पिटैलिटी है, उसको मैं एक्सपीरियंस करूँगा, और एक अच्छी सी कहानी हम लोग उसके थ्रू ही हम लोग वीव करेंगे, जो हम लोगों ने किया, डायरेक्टर अखिल ने बहुत खूबसूरती के साथ किया। सो इट वॉज द अट्रैक्शन ऑफ शूटिंग इन अ प्लेस वेयर आई हैव नेवर बीन टू, एंड ऑफ कोर्स शोइंग द ब्यूटी, द नेचुरल अनटच्ड रॉ ब्यूटी ऑफ अ स्टेट जो आज तक आई डोंट थिंक पीपल हैव सीन एंड एक्सपीरियंस्ड। वैसे मैंने पहले भी ऑलरेडी बोल चुके हैं ये बात, पॉलिटिक्स जो है एक्चुअली वो दर्जा जो है हमें पब्लिक दिया गया है, जिसमें मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसमें मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मेरा हॉबी में इसको कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करती हूँ मैं। और रही बात अपना म्यूज़िक में या एनी काइंड ऑफ फील्ड या मॉडलिंग में, तो सारी चीज़ में मैं हमेशा इंटरेक्ट रहती हूँ, हमेशा पार्टिसिपेट करने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि बिकॉज़ ये मेरा हॉबी है। मैं बचपन से मॉडल बनना चाहा, मैंने इतना सक्सेसफुल मॉडल नहीं बन पाया, बट लेकिन मैंने किया है। तो नाउ अभी एक म्यूज़िक वीडियो एल्बम वो भी उनके साथ कर रही हूँ जो मेरा फेवरेट हीरो है, तो इससे बड़ा खुश और क्या हो सकता है। इसलिए मैं दरख्वास्त करना चाहेगा कि जितने भी जो अपना यंग जनरेशन है जो कहीं ना कहीं अपना हॉबी को जो आगे आप प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सभी को मैं यही चीज़ का रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग है, आपका हॉबी अलग है, एज ए मदर, एज ए डॉटर वो एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और सबको मैनेज करके जाना ही अपना ऊपर में है। ट्रू, एब्सोल्युटली। आई थिंक इट्स बीन वंडरफुल, क्योंकि हम लोग
उन्होंने हमारी जो हॉस्पिटैलिटी थी इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया सब कुछ कि हमें कभी एहसास नहीं होने दिया कि हम लोग हमारे घर से बाहर शूटिंग कर रहे हैं. यू नो अरुणाचल फेल्ट लाइक होम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग अस ऑल यू नो फील वेरी एट होम. बट या आई थिंक आई एम जस्ट ग्लैड कि हम इस म्यूजिक वीडियो का हिस्सा बन पाए, एक ऐसे राज्य को दिखाने जो आज तक शायद लोगों ने ना देखा हो, और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारा हम दिखा पाए इन द फ्यूचर एज वेल एंड ऑल्सो यू नो टू इंक्लूड टैलेंट फ्रॉम देयर एज वेल यू नो एंड हैव लाइक अ पैन इंडिया काइंड ऑफ यू नो पूल ऑफ टैलेंट विच विल बी फैंटास्टिक. सो या आई थिंक इट्स स्पेशल. मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे मनमर्जिया का एक हिस्सा बनने को मिला एंड होप फॉर मेनी मोर प्रोजेक्ट्स लाइक दिस. सबसे पहले तो मनमर्जिया में देखेंगे. नहीं, अलग अलग चीज़ें अभी करने को मिल रहा है. दो कॉमेडी है जैसे कि वेलकम टू द जंगल है, मस्ती का अगला भाग आने वाला है. एक हॉरर है जिसका नाम है कसूर, और एक और फिल्म जो एक थ्रिलर रोमांटिक थ्रिलर है जो मैं करने जा रहा हूँ. तो एक अलग अलग पूल अलग अलग जॉनर्स की फिल्म मैं कर रहा हूँ. तो अभी ऑडियंसिस के ऊपर है कि वो किस जिस तरह की फिल्में पसंद करें या ना करें. बट आई पर्सनली लाइक टू डू एवरीथिंग लाइक आई ऑलवेज सेड. प्लीज गो वॉच मनमर्जिया. मनमर्जिया इज वेरी स्पेशल. थैंक यू टू जी एज वेल. थैंक यू टू बेरी शांति जी एज वेल एंड हर एंटायर टीम फ्रॉम अरुणाचल. थैंक यू टू अखिल आवर डायरेक्टर एंड हिज एंटायर टीम एज वेल. ये हमारे लिए बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस रहा है, और उम्मीद करते हैं कि जो जिस वजह से हम लोगों ने गाने को शूट किया है, हमारे ऑडियंसिस उसको पसंद करे, उसको प्यार दे. And that's it. That's all we really want. The love. Thank you. Thank you. Thank you. बिल्कुल एक्चुअली बोलना चाहिए. जितने भी जो अपना देश की जितने भी अपना जो व्यूअर्स है, जो अपना वेल विशर है, सबको रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि मन मर्जी एक ऐसा एल्बम है कि बहुत ही एक अलग तरीके से कल्चर, हमने अपना कल्चर्स को अथायर को मैंने प्रमोट किया. पहले से मैं एक ही चीज़ को बोल रही हूँ, और उससे भी बहुत ही बड़ी चीज़ जो है आफ्ताब सर इसमें है, इनकी साथ में भाग लेने मिला इसमें. और मेन चीज़ जो है इससे भी काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ें आएंगी. हम अभी ऑन प्रोसेस में है, आप सबको आगे नहीं बता सकते. जब सडनली नेक्स्ट टाइम जब सरप्राइज दोगे तो आप पता चल जाएगा सारे. थैंक यू सो मच. आपने बताया कि अरुणाचल प्रदेश पहली बार आप गए हैं, जी. इस तरह का एक्सपीरियंस रहा और कई सारे कल्चर को इस सॉन्ग में दर्शाने की कोशिश की, जी. तो कोई ऐसी कल्चर जो आपको पसंद आई हो? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं शांति जी से कहूँगा कि आप बताइए कि कितने सारे लैंग्वेजेस है अरुणाचल में ही, कितने सारे कल्चर्स? मेजर ट्राइब हमारा 26 है और मोर देन 100 प्लस है हमारे. तो मतलब एक ही राज्य में इतने सारे भाषाएं, इतने सारे कल्चर्स एक ही राज्य में, तो सारी चीज़ों को इनकैप्सुलेट करना बहुत मुश्किल है, वो भी 5 मिनट के म्यूजिक वीडियो में. लेकिन जितना भी हम लोगों ने कोशिश की है यू नो टू शोकेस द कल्चर, वी हैव ट्राइड. एंड ऑफकोर्स जैसे कि उन्होंने कहा कि और भी सरप्राइजेज ये हमें देंगी, तो हम कुछ और भी दिखाएंगे, कोशिश करेंगे तो पूरे अरुणाचल को हम लोग दिखाए. तो या मतलब ऐसे बहुत से हम लोगों ने कोशिश की है कि दिखाए. अरुणाचल में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो कल्चर है, वो बॉलीवुड फिल्में बहुत देखते हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं. और इनफैक्ट शांति जी न्यू मोर अबाउट माय फिल्म्स देन आई नो. मेरी तरह तुम भी कभी. हम लोग जो बाइक पे वो कर रहे थे, वो मेरी तरह तुम भी क्या कभी वो प्यारी करके गा रही थी पीछे. हम लोग मनमर्जिया के लिए शूट कर रहे हैं, लेकिन वो मेरी गाना वो क्या ही प्यारे से वो गा रही थी मेरे कानों में. तो बोला वही गाने पे मैं बाइक चला रहा हूँ. तो आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल कि आपकी फिल्मों को देखते हैं, आपको यू नो प्यार करते हैं, पसंद करते हैं. एंड देन ऑफकोर्स to merge the cultures, you know, to merge talent, I think it's a beautiful thought. Thank you. अखिल जी
थैंक यू। पहले तो हम पूछना चाहेंगे आप लोग से बात करो इसका मतलब प्रोजेक्ट का क्या इसके लिए सिंगिंग करना है इसमें के लिए मतलब आपका क्या सो बेसिकली वी आर द कंपोजर्स हम दोनों ने कंपोज किया ये सॉन्ग ओके हम दोनों ने ये गाना कंपोज किया है मनमर्जी एंड व्हेन अमृता वाज जॉइंड इनटू दिस प्रोजेक्ट तो वी ऑल वर हैप्पी दैट समथिंग ब्यूटीफुल इज गोइंग टू कम इट्स गोइंग टू टर्न आउट इनटू समथिंग ब्यूटीफुल एंड अल्टीमेटली वीडियो के साथ अल्टीमेटली बट नाउ इट इज इट्स सच में ऐसा लग रहा है कि इट्स वर्थ इट हमने इतने सारे आई मीन स्लीपलेस नाइट्स ये चेंज करना ये करना है ऐसा कुछ सब कुछ मिला के बट इट एवरीथिंग वाज वर्थ इट। तो वही बोलूंगी कि बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे गानों के बीच हम लोग कंफ्यूज थे कि ये गाना वो गाना बट फाइनली जो गाना हमने बनाया और इन दोनों ने इतने अच्छे से बनाया है मैंने गाया है इस गाने को तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये इतने बड़े वे में इसको प्रेजेंट किया गया और इसका वीडियो इतना अच्छे से आया एंड ऑल टोटल मैं बोलूँगी ऑडियो डिपार्टमेंट एंड वीडियो डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से इसको रेंडर किए हैं सो इतने अच्छे प्लेटफॉर्म में इसको रिलीज करने का एक मौका मिला जी म्यूजिक ऑल आई विश लाइक ये गाना बहुत अच्छा रहे एंड पर्टिकुलरली जैसे अरुणाचल प्रदेश का इतना अच्छा नेचर है वो जो कि बहुत लोगों के पास पहुँचा नहीं आज तक तो वो पहुंचेगा बहुत ही अच्छा लगा आई होप दैट ऑल ऑफ यू लव इट यस दैट्स ऑल मैं कहना चाहूंगा कि गाना जब मेरे पास आया था टू डू समथिंग विद अखिल जी आवर डायरेक्टर ऑफ द वीडियो तो मैंने इमीडिएटली आई हैड कॉल्ड हिम अप कि लेट्स गो फॉर पिचिंग सम सॉन्ग्स तो 10 गाने भेजे थे 8 से 10 गाने तो ये गाना सिलेक्ट हुआ था एंड ऑफ कोर्स ये उसने बनाया मैंने बनाया तो अब तो वी हैड टू do more with the song because we had to have a female voice and many thanks to all the crew members in the music team Zoyab Khan yes. and one who wrote the song Sanjay Adhura he is not present today so me Abhik Amrita chhod ke bhi apne aur do bandiya hai so they have also worked very hard with this and of course my fight with the director always and we have spent a lot of time on this and now it has come out so beautiful and thanks to this very Santi and Yes. It's such a beautiful location and I mean, of course, it's pleasure working on such a project. Yeah. Yeah. It's been a wonderful journey. Yes. So, no, ये brief था that it is a, has to be a romantic song where a man from, you know, this side of the country goes and visits the place. That's what you see in the story. That आप जो देखोगे तो वैसा ही है. And then he falls in love, and then the entire culture and the you know the place is shown. So this is how it has been conceived. Yeah. It's a romantic song, basically. Even आप साथ सर से जब आप मिले, जब आप साथ सर से मिले, आपको पता चला कि song में साथ सर है, तब आपको क्या लगा? जब आपको लगा कि इनके लिए song काफ़ी अच्छा लगा लाइक मैं राजकुमार दास से अभी से मैं ये सुनने को मुझे मिल रहा था कि लाइक इसका वीडियो बहुत अच्छा आया है आफ्ताब सर ने इसमें एक्ट किया है अरुणाचल प्रदेश में ये शूट हुआ है तो लाइक मैं बहुत ज़्यादा वो मतलब ईगरली वेट कर रही थी कि वीडियो मैं कब देख पाऊँ एंड यस फाइनली द डे हैज कम एंड हम सब ने देखा कि वीडियो कितना सुंदर हुआ है सो यस दैट्स ऑल एंड या कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वेयर आई एम सिंगिंग और साथ में हम कर रहे हैं तो अभी इट्स ऑन द पाइपलाइन एक्चुअली तो ऑन द कंस्ट्रक्टिव साइड बट इट विल रिलीज रियली सून एंड होप कि ऐसे ही आपसे फिर से मुलाकात होगी बहुत जल्दी नहीं वन मोर थिंग आई वुड वांट टू से प्रोजेक्ट्स अपने होते ही रहते हैं क्योंकि वी आर ऑल सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस अपना चैनल अभी तो बन गया है So everyone can subscribe to our channel that is there and of course film project is also on and commercial song videos advertisement everything is on but yes we keep on doing songs and releasing songs that is there yes. thank you so much thank you so much thank you